नीतीश कुमार जी बोझ हो गए, उनको बड़ी चिंता है दूसरे के बारे में। आपको जनता ने चुन के जिसको भेजा केंद्र में सरकार, पहले आप बात कीजिए आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा लेता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने देश के लिए काम करता है। नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे सुशील कुमार मोदी जी, पहले आप तो बताइए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, जनता ने आपको चुनकर रखा है, आपने जनता के लिए क्या किया है, आपने देश के लिए क्या किया है। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है। 19 साल से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना है, वो भला कैसे बिहार के लिए बोझ हो सकते हैं। ये जवाब है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने सुशील कुमार मोदी को जवाब दिया है। दरअसल सुशील कुमार मोदी आए दिन ये बयान देते हैं नीतीश कुमार को लेकर के कि वो बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं। अब ऐसे में अजीत शर्मा जो है वो सुशील कुमार मोदी पर खूब भड़क गए हैं, खूब गर्मा गए और कह रहे हैं कि भला कोई किसी के लिए बोझ कैसे हो सकता है, जब जनता ने 19 साल से नीतीश कुमार को चुनकर रखा है तो वो कैसे बोझ हो सकते हैं। आप क्या करते हैं, आपकी सरकार क्या करती है? आप तो केंद्र में बैठे हुए हैं, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, आपने कितने युवाओं को नौकरियां दिया है। आप तो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को कैसे बांटा जाए इसका काम करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा, किस तरह से कांग्रेस के अजीत कुमार शर्मा ने नीतीश कुमार को लेकर के सुशील कुमार मोदी पर बड़ा बयान दिया है वो सुना। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, चाहे वो सुशील मोदी या कोई हो, उनको यह कोई काम नहीं है कि उनको जनता ने चुन के केंद्र में सरकार बनाया है। उन्होंने 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने के प्रतिवर्ष बात किया, एक भी युवक को रोजगार नहीं दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई आकाश छू रहा है, वो जब कहते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौसम तो नहीं आता है, महंगाई के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे। आखिर क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बोझ हो गए, उनको बड़ी चिंता है दूसरे के बारे में। आपको जनता ने चुन के जिसको भेजा केंद्र में सरकार, पहले आप बात कीजिए आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा लेता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने देश के लिए काम करता है। आप किसी को बोझ कैसे बोल सकते हैं, कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता। नीतीश जी को जनता ने 18-19 वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर चुन के रखा है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री बने हैं पहले ये जनता को बताइए। इसलिए किसी को बोझ मत बोलिए। आप चूंकि 2024 में आप हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गद्दी से जनता उखाड़ फेंकेगी, इसी का डर है। कोई बोझ बन गया, कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को ऐना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज महिला आरक्षण की बात कीजिए, आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, किसने पहला दिया? आदरणीय राजीव गांधी ने। और आप आज जो बिल लाए हैं, कहते 2029 में परिसीमन के बाद, जनसंख्या के गिनती के बाद होगा, ये क्या बात है? अगर आप बिल लाए तो आज से चालू करिए और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेके, चाहे वो OBC हो, फॉरवर्ड कास्ट हो, SC ST हो, दलित हो, जो भी है, सबको समान रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांत है, किसी एक को देके ये कतई ठीक नहीं है।